आजकल मंडला, लेपन, मोज़ेक आर्ट बहुत ही ट्रेंड में है, तो मैं भी इन्हीं सब से इंस्पायर होकर आज आप सभी के लिए लाई हूँ ब्यूटीफुल सा होम डेकोर DIY। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनाक्षी आर्ट एंड क्राफ्ट। होप यू ऑल आर एंजॉयिंग योर सेकंड सैटरडे। तो अपने DIY के लिए मैंने लिया है MDF झरोखा बोर्ड। आपके पास जो भी मिरर्स अवेलेबल हैं उन्हें एक बार प्लेस करके देख लीजिएगा और उसी के अकॉर्डिंग मार्जिन सेट कर लीजिएगा। तो अब मैंने ओपन किया है आपके सामने मिरर्स का पिटारा। पहले मेरे सारे मिरर्स इधर उधर बिखरे रहते थे, तो उन्हें अरेंज करने के लिए मैंने ये बॉक्स ऑर्डर किया है। आप भी अपने क्राफ्ट मटेरियल या ज्वेलरी को अरेंज करने के लिए ये बॉक्स ले सकते हैं। लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, क्वालिटी इसकी अच्छी है। तो अपने मार्जिन के हिसाब से मैं अपने मिरर्स को MDF बोर्ड पर प्लेस करूंगी 1x1। इसको फेविकॉल की हेल्प से पेस्ट कर सकते हैं या इसके लिए आप फैब्रिक ग्लू भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक बार मिरर्स को पेस्ट करने के बाद मैंने उन्हें स्केल की हेल्प से इक्वल एक लाइन में सेट किया है। तो अभी फ्लावर बनाते हुए मैं आपको एक फनी सी बात बताती हूँ। ये फ्लावर मैंने पहले पेज के ऊपर बना के देखा था, तो ये मुझसे बन गया था इजीली। अभी मैंने 3-4 बार सेट किया, बट मैं भूल गई कि कैसे बनाते हैं, मैं बना ही नहीं पा रही थी। फिर थोड़ी देर बाद रिलैक्स हो गई, देन उसके बाद एक और बार पेज पे सेटअप किया, देन मैंने फिर दोबारा से दूसरे कॉर्नर पे ये आपको वीडियो शूट करके दिखाया है कि फ्लावर कैसे बनाना। बहुत ईजी था, फिर भी मैं भूल गई। तो आपके पास जिस भी शेप के मिरर्स अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग आप एक पैटर्न अपने झरोखा पे क्रिएट कर सकते हैं। मेरे मन में जो डिजाइन आता गया मैं अपने मिरर्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से वो झरोखा पे क्रिएट करती गई। बट हाँ, ये मिरर्स खाली मिरर्स लगने के बाद ही इतना सुंदर लग रहा था, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये DIY कैसा लगा। एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, और प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। नाउ मैंने जो अपना पैटर्न है वो कंप्लीट कर लिया है, और पैटर्न को कंप्लीट करने के बाद मिरर्स को अच्छे से ड्राई होने दिया है। देन उसके बाद मोज़ेक आर्ट स्टार्ट करने के लिए हमें लेना है 2 स्पून वॉल पुट्टी पाउडर। आप यहाँ पर कोई भी वॉल पुट्टी पाउडर यूज कर सकते हैं, मैंने बिरला वाइट का वॉल पुट्टी पाउडर यूज किया है। देन उसके बाद अगर आप 2 स्पून या 3 स्पून वॉल पुट्टी पाउडर ले रहे हैं तो 1 फुल स्पून आपको फेविकॉल का लेना है। देन आप कलर्स चूज कीजिए अपने अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा पानी ऐड करके हम उसका एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाते टाइम वीडियो हिल गई और मुझे पता भी नहीं लगा, सो इसके लिए सॉरी। हमारा जो वॉल पुट्टी का पेस्ट है उसको अच्छे से मिक्स करना है, उसके अंदर कोई गांठे ना रहनी चाहिए। अगर लम्ब्स रह जाएंगे तो जब हम स्प्रेड करेंगे तो उससे ना तो फिनिशिंग अच्छी आएगी और स्प्रेड होते टाइम भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो अच्छे से इसको ड्राई होने के बाद गीले कपड़े से साफ कर लेना है। तो अब बारी आती है झरोखे के नीचे वाले पोर्शन को पेंट करने की। इसके लिए मैंने यूज किया है लाइट ब्लू कलर। कलर के सूख जाने के बाद मैंने इसके ऊपर फ्री हैंड ओम का डिजाइन ड्रॉ किया है, और उसे 3D लुक देने के लिए मैंने मोल्डेड क्ले का यूज किया है। क्ले से स्ट्रिंग बनाने के लिए फ्लैट सरफेस पर थोड़ा सा पाउडर स्प्रेड करेंगे और किसी फ्लैट से ही ऑब्जेक्ट के साथ इसे रोल करेंगे। इस प्रोसेस से हमारी स्ट्रिंग जो है वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक साइज की रहती है। अब जो मैंने ओम वाला सर्कल बनाया है उस पर अपनी स्ट्रिंग को फेविकॉल की हेल्प से पेस्ट कर देंगे। जब हमारी क्ले अच्छे से ड्राई हो जाएगी तो हम इस पर कलर कर देंगे। कलर यहाँ पे आप कोई भी चूज कर सकते हो अपनी मर्जी से। मैंने थोड़ा सा मैच करते हुए ऑरेंज कलर चूज किया है, बिकॉज जो मेरा झरोखे का फ्रंट पोर्शन है वो भी मस्टर्ड गम ऑरेंज ही है। मनाना तो मुझे मस्टर्ड था, पर प्रॉपर मस्टर्ड तो बना नहीं मुझसे, तो वो लाइट ऑरेंज बन गया। बट हाँ, ये लाइट ऑरेंज और फिरोजी कलर का कॉम्बिनेशन एकदम फर्स्ट क्लास लग रहा है। अब मैंने कलर किया है ओम को, और लोटस लीफ थी जो उन्हें फ्री हैंड ऐसे ही कलर कर लिया है, शेड कर ली है। आप अपनी मर्जी से कलर चूज कर सकते हैं, और डिटेलिंग के लिए थोड़ी डॉट आर्ट टूल से मैंने डॉट्स क्रिएट किए हैं। फर्स्ट टाइम मैंने डॉट आर्ट टूल यूज किए तो थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई। जो ओम वाला सर्कल था उसके ऊपर मैंने पहले पिंक कलर से डॉट आर्ट टूल की हेल्प से डॉट्स बनाए, बट वो खराब हो गए।
फिर उसके ऊपर मैंने मिरर चिपका दिए। अब बट वो विजिबल तो नहीं है, बट हाँ सुंदर एकदम परफेक्ट लग रहा है एकदम। फेविकॉल की हेल्प से छरोके के दोनों पोर्शंस को मैंने पेस्ट कर दिया है और फाइनल टच देने के लिए इसकी बाउंड्रीज को भी स्काई ब्लू कलर से पेंट कर दिया है, सो देट हमारा जो प्रोडक्ट है वो एकदम परफेक्ट लगे, एकदम फिनिश्ड लगे। अब मेरा जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल रेडी है, आप लोग एक बार देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा। मुझे तो ये बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, होप आपको भी ये पसंद आए। सो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।